भारतीय रेलवे अब खेतों में भी चलने लगी है। आपको हम बता दें कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप वीडियो में देख पा रहे हो किस प्रकार से जो है रेल जो है इंजन जो है वो ट्रैक छोड़कर खेत में चला गया है। आए दिन इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। आपको हम बता दें कि इंजन जो है वो ट्रैक छोड़कर खेत में चला गया है और आप देख पा रहे हो वीडियो में लगातार इस प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेनों में जो लापरवाहियां की जा रही है, ट्रैक से जो है ट्रेन उतर जा रही है, कभी ट्रेन जो है दो हिस्सों में बंट जा रही है, तमाम तरह की जो बातें हैं निकलकर सामने आ रही है रेलवे की तरफ से। लेकिन रेलवे विभाग जो है इन सब गलतियों को किस प्रकार से सुधारा जाए, किस प्रकार से ठीक किया जाए, इस पर स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इन सभी घटनाओं को छोटी मोटी घटना बताकर टालने का काम करता है। आपको क्या लगता है, लगातार हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है जब इस प्रकार के वीडियो सामने आते हैं तो क्या रेलवे विभाग पर सवाल खड़े नहीं होते हैं? क्या भारतीय लोग जो रेलवे में सफर करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े नहीं होते हैं? जब लगातार रेल हादसाएं होंगी तो लोग कैसे भरोसा करेंगे भारतीय रेलवे पर? जो लोग फ्लाइट में सफर करते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं वो हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं, उनको ट्रेनों का मतलब नहीं पता है। लेकिन जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग है, वो लोग ट्रेनों में ही सफर करते हैं। और जब ट्रेनों की दशा रहेगी तो लोग किस प्रकार से भयमुक्त होकर यात्रा कर पाएंगे? तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से वीडियो में देख पा रहे होंगे इंजन जो है वो रेलवे ट्रैक से उतरकर खेतों में चला गया है और ये छोटी मोटी घटना है। इसके ऊपर जो है भारत सरकार कुछ नहीं बोलेगी। यह घटना जो है वो गया जिले की बताई जा रही है, जहाँ पर रेलवे ट्रैक से अलग होकर जो है इंजन जो है वो खेतों में चला गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को